students, this is class plus 2 physics and we are continue with our unit 4 electromagnetic induction and alternating current. So this is our chapter 6 NCERT. According to NCERT, this is according to Pardeep publication, okay, and our chapter is electromagnetic induction. This is our part 2 students, and our today's topic is magnetic flux, Faraday's law of EMI, electromagnetic induction, and प्लस में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे रिगार्डिंग टू फ्राडे लॉ. क्लियर? तो देखिए बेटा, हमने इससे पहले पढ़ा था फ्राडेज के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट जो उसने एक्सपेरिमेंट करे थे, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट हमारा निकल के आया मैग्नेटिक फ्लक्स. तो बेटा देखिए, हम मैग्नेटिक फ्लक्स को करेंगे. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है देखिएगा. इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस फील. ठीक है, इसको मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ. पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ बच्चे. द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन सिंबल है. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से. इसको मैं अभी 3D में भी आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए. थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो फील्ड कहाँ है, हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करेंगे हम, बी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इज मेजर्ड बाय टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. क्रॉसिंग मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स, क्रॉसिंग द सरफेस. ठीक है, देखिए आप इसको कैसे समझेंगे. इसको आप ऐसे समझिएगा बेटा, सपोज आई एम हैविंग दिस, ये कोई सरफेस है. क्लियर? और जो ये आपको बुक दिखाई दे रही, ये है मैग्नेटिक फील्ड. समझ गए आप, ये क्या है, कोई सरफेस है. या आप इसको इस तरीके से समझिए, देखिए, हाँ ऐसे समझिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन. जो मैंने पेन रखी है ना बेटा, पेन पेंसिल जो भी है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है. इस तरीके से देखिएगा आप एक बार, ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, यूनिफॉर्म है. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गई, और ये मैंने कोई सरफेस लिया. देखिए ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये अभी प्रॉपर जस्ट मेरे बार बार घूम रही हैं, तो मैं जस्ट आपको मेंशन करके बता रही हूँ. और ये मैंने कोई सरफेस लिया है. ठीक है, ये कोई भी सरफेस है. क्लियर? और ये सरफेस कहाँ रख दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया. तो देखो, इस सरफेस को मैं इसके ऊपर भी रख सकती हूँ ऐसे, तब तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, और अगर मैं इस सरफेस को ऐसे रखूँ परपेंडिकुलर इसके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी. देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैंने जो पेन निकाले हुए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सारी. ठीक है, तो इस पूरे में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं. लेकिन मैं, आप ये बताइए, फिजिक्स में हम क्या पूरे सरफेस को स्टडी करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते. हम क्या करते हैं, इस बैंगल का कोई छोटा सा एरिया सेलेक्ट करेंगे, और ये देखेंगे उस छोटे से एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप ऊपर से देखिएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये अलग अलग क्या बना रही हैं, एंगल बना रही हैं इसके साथ, सरफेस के साथ. वो एंगल तो मुझे भी नहीं पता कितना है, है ना, क्योंकि देखो यहाँ अलग एरिया, इसका सारे एरिया को कवर कर रही है. तो मैंने क्या किया, इसका कोई छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया. ठीक है, किसी भी एक फील्ड लाइन के लूँ. क्लियर? तो मैंने क्या किया, इसका कोई छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया. अब देखिए इसके बीच में तो बहुत सारे एरिया, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो बहुत सारा, देखिए इसका एरिया है. तो मैंने क्या किया, इस पूरी बैंगल का छोटा सा एरिया, मान लो मैंने ये वाला कंसीडर कर लिया, छोटा सा हो गया. ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इसमें से अब भी ऐसे ही पास हो रही है ना, इस तरीके से देखिएगा, ये इस तरीके से इसमें से पास हो रही है ना. सो मैंने माना कि ये कंप्लीट इतना जोन बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. इस तरीके से इसमें से क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है. ये मैंने पूरा क्या माना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरिया मान लिया, ये जो स्केयर माना है मैं. और ये मैंने कोई भी एक एरिया सेलेक्ट करा है जो, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं. तो कंप्लीट एक एरिया है, देखिए ये कंप्लीट एक एरिया है, ये
है ना, मैंने इसका कोई छोटा सा पार्ट लिया है तो इसको मैंने बोल दिया डी ए। अभी आपको तो पता ही है कि जो एरिया है ये मैग्नेटिक लाइन्स के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, देखिए आप इसके परपेंडिकुलर है ना, देखिए। चलो तो अब मैंने क्या कहा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो क्या बनाएंगी इसके साथ, कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगी ना बेटा, है ना, ये क्या करेंगी इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगी, ओके। और ये हमने ले लिया एरिया वेक्टर क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास, तो इस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, ठीक है। तो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने मान लिया बी, ठीक है। तो ये कह रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स पास हो रही है, ठीक है। तो किसी एरिया में से थीटा एंगल के साथ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल, तो उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बी, अगर मान लो इस एरिया को मैंने ए माना, ठीक है, छोटा सा एरिया है तो बी डी डी ए भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस कंप्लीट को अगर मैं बात करूँ तो बी ए, ठीक है। और क्योंकि जो थीटा होता है देखिए इस तरीके से है और ये हमारा थीटा एंगल है, ठीक है, और ये हमारे बी है तो इसको हम क्या बोल देंगे, बी कोस थीटा, इसको क्या बोल देंगे, बी साइन थीटा। तो हम थीटा वाला कॉम्पोनेंट लेंगे ना, इसलिए क्या लेंगे, बी ए कोस थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड ए, थीटा इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। बिकॉज ये हमारा एरिया है ए और ये इसके साथ देखिए ये एंगल बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो ये कोई भी एंगल बना सकती है अपनी मर्जी से, देखिए जब इससे बाहर निकलेगी तो ये कोई भी, मान लो इसने यही एरिया सेलेक्ट किया तो इस एरिया के साथ कोई ना कोई एंगल ज़रूर बनाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है, और ये एंगल क्या रहेगा आपका, छोटा। और देखिए यहाँ पे अब एक नई चीज़ आई है, एरिया वेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया को हम यहाँ पे 2D में लेके चलेंगे, ये किसको शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट, ठीक है। मतलब एरिया को देखो, वैसे तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है लेकिन यहाँ हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी लेके चलेंगे। अगर आप एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी लेके चल रहे हो तो एरिया क्या है, इसके परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो इसकी एरिया की डायरेक्शन भी आपको दिखानी पड़ेगी, तो एरिया की डायरेक्शन हम किससे दिखा रहे हैं, इस यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं, एरिया की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए। अगर मान लो ये यूनिफॉर्म ना हो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इसका 5 टेस्ला, 6 टेस्ला, 3 टेस्ला, 5 टेस्ला अलग अलग हो, तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी अलग अलग हो जाएगा। B1A1 cos θ1, B2A2 cos θ2, B3A3 cos θ3, इस तरीके से चेंज होता रहेगा, ठीक है, ओके। तो देखिए बेटा अब इसमें कुछ केसेस करेगा, ये क्या करेगा, इसमें कुछ केस करेगा। फर्स्ट केस क्या करा है, मैंने भी आपको बताया था, अगर फर्स्ट केस में देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। देखिए यहाँ पे आपको अलग से दिखाई दे रहा है, इसको मैं ऐसे ले लूँ या इसको इस तरीके से, तो इसके क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि पहले मैं हमने लिया थीटा 90 डिग्री। अगर मान लो ये इसके पैरेलल हो जाए तो दोनों, तो थीटा क्या हो जाएगा अपना 180 डिग्री, और थीटा का एक केस क्या बनेगा, 0 डिग्री। तीन केस बनेंगे ना हमारे, तो अगर थीटा 90 हो जाएगा तो फाई क्या हो जाएगा, बी ए कोस 90, ठीक है। को अब देखिए कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 होता है आपका 0, कोस 0 डिग्री होता है 1, और कोस 180 डिग्री होता है -1। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आपका 0 होता है तो ये फाई यहाँ पे कितना बन गया, 0, यानी कि फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, 0, ओके। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है टू द सरफेस, ठीक है, तो जब ये नॉर्मल होगा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस की, तब उस टाइम क्या हो जाएगा, हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्लियर, ओके। चलिए अगर ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, अगर ये इसके पैरेलल हो गया यानी कि थीटा एंगल क्या हो जाएगा, 0, तो फाई हमारा क्या आ जाएगा, बी ए, क्योंकि कोस 0 क्या होता है, 1, तो ये हमारा फाई क्या आ गया, मैक्सिमम का केस आ गया, 180 हो जाएगा, तो फाई क्या आ जाएगा, -B·A, ठीक है। डॉट के लिए हमेशा कोस लगाते हैं, क्रॉस के लिए हमेशा साइन लगाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा मिनिमम, ये भी मिनिमम का केस आएगा, ये भी मिनिमम का केस आ जाएगा, ठीक है।
तो अब आपको समझ आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि कोई भी मैग्नेटिक सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम ऐसे मेजर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस, उस प्रॉपरली सरफेस एरिया को कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम इसकी करते हैं यूनिट। हाँ जी, अब इसकी हम करते हैं यूनिट, तो ऐसा यूनिट होती है इसकी, ऐसा यूनिट हो जाएगी वेबर, डब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डब्लू बी से, सॉरी। ठीक है, और वेबर मींस क्या हो गया आपका, और देखिए बेटा ये भी याद रखिएगा, वन वेबर होता है 1 × 10⁸ मैक्सवेल, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, और मैक्सवेल क्या है, इसकी सीजीएस यूनिट है। ठीक है, ये मैंने आपको सीजी सिस्टम किया, सिस्टम आप लोगों ने लिया उसमें काफ़ी अच्छे से किए हुए हैं। ठीक है, और जो फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बी एंड ए। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, स्केलर। ओके, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपका हो जाएगा, देखिए आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, ML2, मैं आपको बता रही हूँ, ML2 t − 2 a − 1, ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है कि कैसे निकलेगा, तो देखिए आपने अभी पढ़ा है फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा आप, हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको ये पता है कि हमारा बी ए कोस थीटा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एफ़ यहाँ पे एफ़ की वैल्यूज हमें पता है, सिंस यू नो दैट एफ इज इक्वल टू जो मैग्नेटिज्म फील्ड होता है उसकी फोर्स कितना लगता है, क्यू वी बी, है ना, यही लगता है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे, बी क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फाई हमारा आ जाएगा एफ अपॉन क्यू वी ए, ठीक है, कोस थीटा। तो फोर्स का क्या होता है, ML t − 2, ठीक है, और एरिया का क्या हो जाएगा, L2, थीटा का रेडियन, इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्यू का क्या हो जाएगा AT, और इसका क्या हो जाएगा LT − 1। अब आप इसको सोल्व करोगे देन यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसको बल्कि आप, मैं कहूँ तो आप ऐसे याद रखा करो, इन चीज़ों को भूलोगे नहीं, 12 − 21, 12 − 20, बस कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, और अब आप देखिए जो इसका फॉर्म, इसका जो आया है, ये हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज़ रिप्रेजेंटेड इन यूनिफॉर्म, तो इसकी एक और यूनिट भी होती है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वोल्ट सेकंड, ये भी इसकी यूनिट हो सकती है, वोल्ट सेकंड, ये भी क्या है इसकी SI यूनिट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल नोट करने वाली बात है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका आउटवर्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर देखिए फाई क्या है, आउटवर्ड है, इसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका, तो आउटवर्ड को हम लेंगे पॉजिटिव, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको आप लेंगे पॉजिटिव, अगर अंदर की तरफ जा रहा है इनवर्ड है तो फाई को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अगर आपका इनवर्ड है तो हम क्या लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। चलिए अब हम करते हैं फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसके दो लॉज हैं, उनको हम पढ़ते हैं अच्छे से। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्राडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे दो लॉ हैं, और वो लॉज हम किसको फॉलो करते हुए बना रहे हैं, जो इसने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इसकी फर्स्ट लॉ क्या है, तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहती है कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, अब आप देखें मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब आप समझ गए हैं, फाई क्या होता है, बी ए कोस थीटा। ठीक है, यानी कि मेरे पास अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें मैं कोई सरफेस, कोई भी मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए, उसके एरिया में चेंज आए, या उसके थीटा में,
देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि मेरे पास जो मैग्नेट था, अगर मैं उसका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैं इसको इसकी जगह बहुत बड़ा ले लूँ तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, मैं इसके एरिया में चेंज कर दूँ तो भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, इसके एंगल में चेंज कर दूँ यानी कि उस फ्लक्स के पास जिसके पास मैं लेके जा रही हूँ इसको इसके एंगल में चेंज करूँ, थीटा 0, 90 या 180 कुछ भी लूँ तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा। तो फ्लक्स को हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाई चेंजिंग एरिया एंड बाई चेंजिंग एंगल बिटवीन द बी एंड ए। इस तरीके से आप फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सर्किट चेंजेज। देखिए वैन फ्लक्स, जो हमारा फ्लक्स है ठीक है, सो वैन द फ्लक्स अमाउंट, वैन द मैग्नेटिक फ्लक्स अमाउंट चेंज, ठीक है, चेंज हो ठीक है विद सर्किट चेंज, जब मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि जब फ्लक्स चेंज होगा यानी कि या तो बी चेंज हो या ए चेंज हो या थीटा, इनमें से कोई भी चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि फाई में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तब क्या होगा, देन एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, यू कैन से प्रोड्यूस्ड होगा ठीक है इन सर्किट, जो भी हमारे पास सर्किट हो, क्लियर। और जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तब तक रहेगा जब तक उसमें चेंज होता रहेगा, एंड इट लास्ट, ये तब तक रहेगा सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये कि आपकी जो फाई है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो ईएमएफ है ना तब तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक आप क्या करते रहोगे, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते रहोगे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आप क्या होगे कि वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। देखिए डायरेक्ट करंट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे ईएमएफ इंड्यूस करेंगे, फिर उस ईएमएफ को क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। और आपको पता है जब हम वी को आर से डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो वी हैव टू गेट आई, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट लॉ को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे वर्क करती है, क्लियर। मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए आपने फैराडे के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब भी किसी मैग्नेट को हम, हाँ जी बेटे देखिए ये क्या कहती है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे लॉ कहती है कि जब आप एक मैग्नेट, ठीक है देखिए इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ठीक है, और इसने क्या करा है मैग्नेट से करंट बनाया, तो अब ये कह रहा है कि एक मैग्नेट को जब आप एक इसके पास कोयल के पास लेके जाते हो ठीक है, एक मैग्नेट को जब आप एक कोयल के पास लेके जाओगे तो ये क्या करेगा, इसमें देखो जब आप इसके इसके क्लोज लेके जा रहे हो, क्लोज लेके जाते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है बढ़ती जा रही है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप इसको इसके पास लेके जाओगे तो गैलोमीटर रिफ्लेक्शन शो करेगा ठीक है। जब आप इसको स्टेशनरी चुपचाप इसको रखे हुए तो कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं, जब इसको इसको दूर लेके चले जाओगे, ये दूर चले जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं ये भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। देखिए तो आप जब इसको इसके पास लेके जा रहे हो इससे इससे दूर, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना हमारा, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा ठीक है, ये जो रेज निकल रही थी ट्रायंगल बना रही है इस एरिया के साथ है ना, बी क्या है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्थ टू साउथ ये पूरा, तो जब आप इसको इसके पास लेके जाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके फ्लक्स में चेंज आएगा इन दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बस इसमें सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि जब तक आप इसको इसकी तरफ लेके जाओगे या इससे दूर लेके जाओगे तो जब तक इसके और उसके बीच मूवमेंट होता रहेगा ऐसे, तब तक इसमें क्या होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और तब तक क्या होता रहेगा, करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। अगर आपने इसको यहाँ पे मान लो रेस्ट में कर दिया, जैसे पैन में रेस्ट में ले आई, तो अब करंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा ठीक है बेटा, समझ में आई मेरी बात। और ऐसा ही सेकंड एक्सपेरिमेंट में होगा। अब करते हैं सेकंड, हाँ जी तो अब हम करते हैं न्यूटन की सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या, सॉरी फैराडे की सेकंड लॉ, फैराडे की सेकंड लॉ क्या कहती है, सेकंड लॉ इज सेइंग टू अस द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, मतलब जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है कितना हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस, मतलब जो अमाउंट है ईएमएफ की भी कम होगा ज़्यादा होगा किसी भी सर्किट के अंदर, इन ए सर्किट ठीक है, इन ए सर्किट
वो क्या होगा, इज डायरेक्टली। देखो आपने ये तो बता दिया कि जब फाइव चेंज होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो ये भी बता दे इतने टाइम तक, लेकिन कितना होगा मतलब कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, लिंक विद द सर्किट। ये बात क्या कह रहा है कि सेकंड लॉ क्या कह रही है कि जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का जो सर्किट में आपने प्रोड्यूस करा है, आपको ये तो पता चल गया कि हम ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस कर, जब हम दोनों कोयल्स को उसके पास लेके जाएंगे या उससे दूर लेके जाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो ईएमएफ है, मान लो आपको उसको इंक्रीज़ करना है, तो अगर आप ईएमएफ को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो कैसे इंक्रीज़ करोगे भाई। देखो कैसे इंक्रीज़ होता है, अगर आप एक तो मान लो एक मिनट के लिए उसको उसके पास, तो एक मिनट में थोड़ी ना कोई ज़्यादा रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। हम क्या करते हैं उसको एक घंटे के लिए कंटिन्यू उसके पास लेके जाते हैं, फिर दूर लेके आते हैं, फिर पास, तो कंटिन्यू हम उसका रिलेटिव मोशन करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको कंटिन्यू रिलेटिव मोशन में लेके आओगे, जितना उसको तेज लेके आओगे, देखिए व्हेन द मैग्नेट इज मूव फास्टर तो उतना ही ज़्यादा फास्टर रेट पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, तो सुई और तेज हिलेगी, सो व्हेन द मैग्नेट इज मूव स्लोली, अगर आप उसको धीरे धीरे लेके आओगे, टाइम कम लोगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी स्मॉल हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो आपको टाइम रेट का मतलब क्या होता है, आप ये कह सकते हो कि जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसके बिहाव पे आप क्या कहोगे, तो आप उसको जितना तेज़ मूव कराओगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम लोगे, जितना ज़्यादा फास्टली उसको मूव कराओगे, उतना ही ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ गए आप? तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से, आप ये कह सकते हो कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, रेट ऑफ, देखिए रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, उसको टाइम से डिवाइड करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए पहले क्या बोल, रेट ऑफ, रेट या रेट यानी कि नीचे टाइम ले आऊँ, क्या किसका रेट निकालना है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मान लो ये फाइव टू, ये मान लो फाइव वन, तो ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके दिखा दिया। ठीक है, तो फराडे की सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सेकंड लॉ यही तो कह रही है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ को हम किससे शो करते हैं, ई से, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, तो ई इज इक्वल टू के फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी। ठीक है, के क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है, इसको हम मान लो हम कह देते हैं के इज इक्वल टू वन। किसके लिए होता है ये, हम जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे E इज इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी। ठीक है, अब फाइव टू माइनस फाइव वन का मतलब क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैं कहूँ काफ़ी स्मॉल चेंज हुआ है, काफ़ी स्मॉल चेंज हुआ है, अगर स्मॉल चेंज हुआ तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी फाइव से। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बेटा जी, एक मिनट रुकिए आप, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, स्मॉल चेंज, स्मॉल टाइम हो तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, अपोज करेगा उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, इसको हम लेंजीज लॉ जब करेंगे तो वहाँ पे इसकी डायरेक्शन काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। अब देखिए बेटा, अगर मान लो एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो नंबर ऑफ कोयल्स हैं वो मान लो एन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी, इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, देखिए जो हमारे पास करंट इंड्यूस्ड हुआ है ना, ठीक है,
जो हमारे पास करंट इंड्यूस्ड हुआ है या जो ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस्ड हुआ है उस ईएमएफ से हमने करंट बनाया, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, ई इसको ईएमएफ वे से अगर इसको मैं किसी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूँ, ओम्स लॉ क्या कहती है, वी इज इक्वल टू वाई आर, इसी वी को हमने ई कहा है यहाँ पे, इसी वी को क्या कहा है, ई। तो अगर इस ई को आर से डिवाइड कर दूँ आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। इस तरीके से हम करंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है ना, तो हमें क्या करना है, इसकी अमाउंट पता करनी है, हमें क्या करना है, इसकी अमाउंट पता करनी है, किसका, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसका डायरेक्शन कौन देगा, कि हमें ये पता चल गया करंट प्रोड्यूस होगा तो कितना करंट होगा, वो हमें फ्राइडे ने बता दिया कि इतना होगा, इतना ये में प्रोड्यूस होगा उसके भी यहाँ पे। अब इसकी डायरेक्शन तो नहीं पता ना, कि जो हमारे पास ये कोयल है, मान लो ये कोई भी कोयल है, इस कोयल में करंट किधर से किधर होगा वो तो हमें नहीं पता। तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन के लिए हम लेंजेज लॉ को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, लेंजेज। तो लेंजेज एक साइंटिस्ट था, उसने हमें क्या दिया था, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और इस करंट का मैग्नीट्यूड किसने दिया था, करंट की अमाउंट किसने बताई थी हमें, करंट की अमाउंट बताई थी फराडे जी ने। तो बेटा देखिए, ये हमारा नंबर ऑफ़ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करेगा और टाइम पे। अगर मैं नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज कर देती हूँ तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा, फाई रेट ऑफ चेंज फ्लक्स को इंक्रीज कर देते हैं चेंज को तो ये भी इंक्रीज, और टाइम को अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग ए कोयल चेंज फ्रॉम 12 × 10⁻³ वेबर टू 6 × 10⁻³ वेबर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है, इन 0.01 सेकेंड, ये आपका टाइम लिया उसने। तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो हमें फ्लक्स चेंज दे रखा है, फाई वन फाई टू दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए दिस इज फाई वन इज इक्वल टू 12 × 10⁻³ वेबर, इसकी यूनिट है, फाई टू कितना दे रखा है 6 × 10⁻³ वेबर, टाइम कितना दे रखा है 0.01 सेकेंड, क्योंकि इसके ऐसा यूनिट है तो इसको भी आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं पर तो सेकंड में चलेगा क्योंकि किलोमीटर, हाँ सेकंड में ही रहेगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 10⁻², सेकेंड। ईएमएफ हमें क्या करना है, निकालना है, तो वी नो दैट ई इज इक्वल टू −t5/dt, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स की बात ही नहीं करें तो एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं −5 to −5, यही तो चेंज होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, −5 to +5 upon dt। अब देखिए 5 to क्या है, इसकी जगह हम क्या लगा दो, माइनस प्लस, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 × 12 × 10⁻³, और टाइम कितना है 10⁻², ऊपर 10⁻³ क्या ले लेंगे, कॉमन, कितना आ जाएगा 12 × 6 = 6 अपॉन में 10⁻², तो ऊपर कितना आ जाएगा 10⁻⁠, यानी कि 6/10, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 3/5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.6 वोल्ट। ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया बेटा आपका, ये आपका आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो सकती है, वोल्ट, सेकंड भी हो सकती है। तो ये हमारे पास आ गया फ्लक्स। तो अगले पार्ट में, पार्ट 3 में बेटा हम डिस्कस करेंगे हमारी लेंजेज लॉ के बारे में, मतलब करंट की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको काफ़ी ध्यान से करना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया इस पार्ट में हमने क्या डिस्कस करा है। इस पार्ट में हमने डिस्कस करा है बेटा हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। तो हमने फराडे लॉ के बारे में पढ़ा और हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। तो होप फ्रेंड्स दिस इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।